राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार लातेहार के बैनर तले अमृत महोत्सव के तहत पैन इंडिया अवेयरनेस एंड आउटरीच प्रोग्राम के तहत जागरूकता मार्च निकाला गया, जो कचहरी परिसर से चलकर शहर के मुख्य मार्ग होते कारगिल पार्क पहुंचा, जहां वीर शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार लातेहार द्वारा आयोजित किया गया। लोहरदगा में आजादी के अमृत महोत्सव के साथ महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती इट राइड चैलेंज मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। जिले के उपायुक्त दिलीप टोप्पो, उप विकास आयुक्त अखोरी शशांक सिन्हा और एसडीओ अरविंद कुमार लाल ने दीप प्रज्वलित कर और बैलून उड़ाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मैराथन दौड़ में छात्रों समेत 400 प्रतिभागियों ने भाग लिया। दौड़ में प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले को ट्रॉफी और अन्य 25-25 लोगों को भी पुरस्कृत किया गया। का आयोजन किया गया है और ये ईट राइट चैलेंज मैराथन है और इस दौड़ के माध्यम से हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि भोजन का अधिकार सभी। मैराथन का आयोजन किया गया है और ये ईट राइट चैलेंज मैराथन है और इस दौड़ के माध्यम से हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि भोजन का अधिकार सभी को है, सभी को खाना मिलना है, कोई भी व्यक्ति भूखा ना। चाईबासा में हाट गमरिया थाना क्षेत्र के केंद्रपोशी गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों के निर्मम हत्या कर दी गई है। बीती रात हाट गमरिया थाना क्षेत्र के केंद्रपोशी गांव में 30 धारदार हथियार से एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। इसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। हालांकि इस बात का पता नहीं चल पाया है कि हत्या का कारण क्या रहा है। आसपास के लोगों के अनुसार प्रथम दृष्टया हत्या का कारण जमीन जायदाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों को पता करने में जुटी हुई है। देवघर में जिन पोखर के समीप तड़के सुबह एक युवक को गोली मार दी गई। गंभीर हालत में घायल को सदर अस्पताल लाया गया, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए बाहर भेजने की तैयारी चल रही है। घटना के संबंध में एसडीपीओ पवन कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि देवघर के जून पोखर मोहल्ले में सुबह 4 बजे करीब अज्ञात अपराधियों ने गौरव नरोने नाम के युवक को गोली मार दी। आई है, हम लोग हर एक डायमेंशन पे जांच कर रहे हैं ताकि अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो सके और इस घटना की सच्चाई के बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सके।